नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते समय मोदी सरकार से लेकर योगी आदित्यनाथ तक पर इशारों ही इशारों में वार किया। इस दौरान अखिलेश ने कविताएं पढ़ मोदी सरकार के वादों और लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कविता पढ़ी, जिसके बाद उनके बगल में बैठे सपा के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद को कहते सुना गया, ये तो योगी जी के लिए है। देखिए ये रिपोर्ट और जानिए कैसा रहा अखिलेश यादव का संसद में पहला शायराना अंदाज। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं कन्नौज के सांसद अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कविता नुमा भाषण दिया। इस कविता में उन्होंने सत्ता पक्ष पर जमकर प्रहार कटाक्ष किए। उनका ये कविता नुमा भाषण पूरी तरह से अयोध्या पर केंद्रित था और इसमें पूरी तरह से हीरो थे सपा सांसद अवधेश प्रसाद, जो कि अयोध्या से जीत कर सदन में आए हैं। कविता पढ़ते हुए अखिलेश ने न केवल उनकी ओर इशारा किया बल्कि सदन में जय अवधेश के नारे तक लगा डाले। अध्यक्ष महोदय, एक जीत और हुई है, एक जीत और अध्यक्ष महोदय हुई है। मैं जानता हूं सत्ता पक्ष बैठे वाले लोग समझ गए होंगे, अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है और हम तो अध्यक्ष महोदय यही सुनते आए हैं, होए वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला। अध्यक्ष महोदय, होए वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला, जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो है खुद किसी के सहारे के लाचार। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह देना चाहता हूं, होए वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला, जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो है खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन 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 गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने आगे कहा, कुछ बातें समय और काल से परे होती हैं, इसलिए आज यहाँ उत्तर प्रदेश के सदन में पढ़ा गया एक शेर याद आ गया, तो जब सही था और अब और सही साबित हो रहा है, इजाजत हो तो मैं अर्ज कर सकूं। इसके बाद उन्होंने शेर भी पढ़ा, इसलिए आज यहाँ उत्तर प्रदेश के सदन में पढ़ा गया एक शेर याद आ गया, जो तब सही था अब और सही साबित हो रहा है। इजाजत हो अध्यक्ष जी तो मैं अर्ज करूं, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि आज सदन में अखिलेश यादव का केवल शायराना अंदाज दिखा, बल्कि आज उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, नीट और अग्निपथ जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा।
सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था पर आंकड़े छुपा रही है, यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि संसद में अखिलेश यादव ने अपनी दमदार शुरुआत की है। उन्होंने शुरुआत में ही योगी से लेकर मोदी तक पूरी बीजेपी को एक झटके में सन्न कर दिया है। अब वो आगे कैसे संसद में सत्ता पर बरसते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।